जैसा कि आपको बताया है कि मेरा बर्थडे था 29 जुलाई का, और बर्थडे सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं किया, और यहाँ पर गिफ्ट मेरे लिए खा गए बिना बर्थडे मनाए। तो ये गिफ्ट इन्होंने पहले ही लाकर रख रखे थे, मुझे नहीं पता कब लाई, ये इच्छुआ है ईशु ने, बल्कि मुझे उसी दिन दिया, और ये लाई थी इंदु। इंदु को तो मैं कह रही थी, मगर जब तुझे पता था कि मेरी तबीयत खराब है, मगर कर भी नहीं रहे तो क्या जरूरत थी लाने की। और हर बार का भी नहीं होता कि जरूरी हो देना, और लेकिन वो अपना दे चली गई थी, क्योंकि कहीं वह उस दिन ही आई पाई थे जब शाम को मेरी तबीयत खराब हुई थी उस दिन। तो यहाँ पे देखिए, ये गुड्डू ईशु कब लाई, इसका तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, और ये अभी बता रही हूँ मुझे कि ये मैं कब लाई थी। जब दीदी की तबीयत खराब हुई थी उस दिन लाई, कई दिन पहले। और कितना दिलवाया है तुझे, अपने आप ही आई थी। मैंने पापा से पैसे लिए थे, फिर इंदु से जितने भी को सिलेक्ट करना है। अच्छा, तो अभी भी यार मुझे इनका ये नहीं पता था कि ये गिफ्ट मेरे यही रखे, मेरे पास ही है। कल से ही सुबह परेशान हो रही, रात ही याद आया इसे कि मम्मी ये गिफ्ट खोल लो, मगर कहाँ रखे। तो ये जब लेके आई कि मम्मी ये गिफ्ट, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कहाँ रखे उस दिन ये लेके आए। और आज मैं इन्हें खोल लेती हूँ, और फिर इसके याद आ गया तो पता चलो अभी तक आई मैं खोल के मैं आपको भी दिखा दूँ। मैंने भी नहीं देखे कि क्या है इसमें क्या नहीं। तो यार सबसे पहले मैं ईशु का ही खोल लेती हूँ, और पैकिंग करवा करवा रखी है ईशु ने पूरी है।
लेते थे, बहुत सारा माल भरता है, पूरा पर्स पॉकेट वगैरह है। तो अभी तो मैं कोई मैंने बताया मेरे पास दो तीन चार पर्स तो ऐसे भी कर लेना है तीन चार पर्स ऐसे हैं मेरे पास जो मैं यूज करती हूँ, और दो तीन ऐसे हैं जो अभी तक मैंने खोले भी नहीं है। और मुझे लगा ज्यादातर मैं सारे कभी लिए होंगे, मैंने ज्यादातर उनमें से हिंदू में ही लिए होंगे सारे पर्स। तो ये देखे अच्छा लगा मुझे, तो कलर भी प्यारा है इसका। तो चलो भाई बहुत बहुत थैंक यू हिंदू के लिए। और वैसे तो मैं कह नहीं पाई क्योंकि उस दिन तबीयत ही मेरी ऐसी थी, और उसके बाद वो फिर आई थी, और आज ही मैंने खोल कर देखे। उसके बाद आज है वीरवार और मंडे को था मेरा बर्थडे, तो तीन दिन तो वैसे ही चले गए। तो ये है सिंपल कॉल सा, मतलब अच्छा लग रहा। तो ये वाला मेरा गिफ्ट है बर्थडे का। तो ये दो गिफ्ट मुझे बिना बर्थडे मनाए ही मिल गए इस बार। चलो तो इसका डब्बा मिल रहा है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे पूजा ईशु। चलो पूजा की तैयारी करते हैं, ठीक है? जिसे ना कटते अपन नहीं करते बेटे, खराब हो जाओ। तो यहाँ पे देखिए जी, पूजा हमारी हो गई है शाम की संध्या, और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ शाम का खाना। और आज खाने में बनेगी आलू टमाटर की सब्जी, जो सबकी फेवरेट है, आपको पता ही है। कई दिन हो गए, तो दो तीन दिन जैसा ही हो जाते हैं ना आलू की सब्जी बने हुए, तो सब बोलना शुरू कर देते हैं कि कई दिन हो गए खाई नहीं, आज आलू की सब्जी बना लो। तो बच्चे भी बोल रहे थे, मैंने सोचा चलो जब बच्चे बोल रहे तो बना ही देती हूँ। और फिर हमारा तो यह है कि बच्चे पेट भर के खा ले, माँ बाप तो फिर वैसे ही छक जाते हैं, मतलब कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं होता कि अपनी फेवरेट ही बनाओ। और हम भी सब खाई लेते हैं ये खुश होकर। हालांकि दाल जो दोपहर के टाइम बनाई थी मैंने, वो भी रखी थी, लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा कोई नहीं, जब ये कह रहे कि नहीं खाएंगे तो मैं कहा चलो वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने तड़का लगा दिया, और साथ साथ ही आटा भी मैं छान रही हूँ, आटा भी बना लूंगी। और रात को तो एक एक दो दो रोटी, छह या सात ही रोटी बनती है। गुड्डू के पापा रात को ज़्यादातर सब्जी खाते हैं, बस रोटी उन्होंने ना कर दी थी कि नहीं खाऊंगा, और खाना रात का कम ही खाते हैं, बस दूध पी लेते हैं, वो ना कर देते हैं। तो यहाँ पे बस देखिए मैं तड़का लगा रही, साथ साथ मैंने आटा वगैरह छान दिया, और तड़का लगा के रख दूंगी सब्जी। और अब सब्जी बन गई है, सब्जी रखती है गैस पे बनने के लिए। उसके बाद मैंने आटा वगैरह लगा दिया है, और उसके बाद जो बर्तन थे शाम के चाय वगैरह के भी थे, और जो भी थे शाम से मैंने किए नहीं थे ना, मैं कहा चलो साथ साथ वो भी कर दूंगी, और फिर मैं कर दूंगी अपनी किचन क्लीन। क्योंकि जब किचन में आते हैं तो फैली तो रहती है, सारा सामान लगाना धरना तो वो रहता है। तो यहाँ मैंने पहले बर्तन वगैरह लगा दिया, उसके बाद अब साथ साथ ही मैं दूध छान के रख दूंगी गैस पर गर्म करने के लिए। अभी एक तो यह है कि मैं अभी किचन में हूँ, तो साथ साथ ही दिख जाता है, कई बार ऐसा होता है जैसे दूध को रख के चले जाते हैं तो वो उबल जाता है, बहुत बार ऐसा ही होता है। अगर हम खड़े रहेंगे तो नहीं उबलता, लेकिन अगर इधर उधर गए तो फट उबल जाता है। तो ज़्यादातर मेरा यही रहता है कि मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तभी साथ साथ ही उबाल लेती हूँ दूध को। तो इधर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है, और इधर बस सब्जी बन गई है, तवा रख लिया, तो मैं रोटी भी बना दूंगी साथ साथ ही गर्मा गर्म, और सब्जी तो बनी गई है। तो बच्चों को मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा आ जाओ खाना खा लो,
और ये हमें बस खा लेंगे, अपने आप भी खा लेंगे, अपने पापा को भी दे देंगे, सबसे पहले काना को भोग लगा देंगे। तो यहाँ बस सारे ही सारों की अपनी मौज मस्ती चल रही, तीनों शायद ऑफिस में ही थे, मैं उनको बोल के भी आई थी पहले ही रोटी बनाने से, मैंने कहा खा लो। बस वे ईश्वर कृष्णा इकट्ठे अपना खेल रहे थे, गुड्डू अभी आई थी थोड़ी देर पहले ही ट्यूशन से। तो यहाँ पे आ गए हैं, देखिए बच्चे भी बस अपना अपना लेने लगे हैं, अपने पापा को भी दे देंगे। और कृष्णा ने ना कर दी थी कि मैं नहीं खाऊंगा, उसने शायद कुछ खाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, इन्होंने कुछ खाया था, हाँ शायद मैगी कुछ बनाया था ईशु ने, तो तब दोनों ने ही खाया था। तो वो कह रहा था कि मुझे तो भूख नहीं है, और मैं उसको बोल भी रही थी, मैंने कहा मैंने तो आलू बनाए तेरे फेवरेट, कह रहा कि नहीं मम्मा भूख नहीं है। तो यहाँ पे बस इन्होंने खाई नहीं, और इन्होंने तो रोटी ले लिया बच्चों ने, गुड्डू के पापा बस सब्जी सब्जी खाएंगे, वे तो खाएंगे नहीं रोटी। और मैं कृष्णा को कह भी रही, मैंने कहा खा ले, कह रहा कि नहीं मम्मी मुझे नहीं भूख है, और बस अभी मैं तो उधर जाऊंगा, जैसा शाम सी होगी दो तीन अंधेर, पूरा दिन आराम से रह लेता है, जैसा अंधेरा सा होना शुरू हो जाए फिर ये परेशान हो जाता है जाने के लिए। और बस मेरा काम हो गया था, मैंने भी खाना खा लिया। और आप देख रहे हैं ये हमारे प्लॉट के पीछे ही, सॉरी हमारे घर के पीछे ही एक प्लॉट है, और उसमें हो रही है ये सांड की लड़ाई है। रात को जैसा हम ऊपर घूमने गए, इसके पापा ही गए थे अभी तक, तो ये कहने लगे देखो लड़ाई बज रही, तो हम भी चले गए। और यहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली, इतनी भयंकर लड़ाई बजती है इनकी, क्योंकि ये प्लॉट खाली पड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा गाय सांड ऐसे ही रहते हैं, और कुत्ते देखे इन्हें देख कर परेशान हो रहे। और उधर गली है ना, लास्ट में जाकर जब लड़ाई बजती रही तो ये एक सांड उधर गिरा ऊपर से ही, तब जाके इनकी लड़ाई शांत हुई। फ्रेंड्स खाना सबका हो गया है, किचन में मैंने सारा काम कर लिया, बर्तन वगैरह कर दिए हैं, दूध गर्म करके रख दिया, क्योंकि दूध अभी जब लेटेंगे तब जाके पियेंगे। और अभी बच्चे बस कर रहे हैं पढ़ाई, टाइम 8:30 हुए, तो एक घंटा पढ़ाई कर लेंगे, तब तक हम घूम लेंगे ऊपर, और अपना होमवर्क वगैरह जो रह रहा उनका वो कर लेंगे, क्योंकि बच्चों के 5 तारीख से फिर एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, तो वे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और बस मैं अभी पहले नहा लेती हूँ, नहा कर फिर मैं अभी घूमूंगी ऊपर, इसके पापा तो घूमने लगे। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।